हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका माइंड एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। साथियों इस वीडियो में हम डिटेल से बात करने वाले हैं एसएससी फेज 11 के तहत दोस्तों जो भी 1070 पोस्ट एमईएस यानी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में ड्राइवर के लिए आई थी। दोस्तों इस भर्ती को एक साल से ज्यादा का समय बीत चुका है परंतु अभी तक इसके डॉक्यूमेंट की जो स्क्रूटनी है दोस्तों, डॉक्यूमेंट में कौन बच्चा पास हुआ था, कौन बच्चा फेल हुआ था, अभी तक एसएससीएनआर की तरफ से है वो लिस्ट जारी नहीं की गई है। बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हैं, लगातार फोन कॉल्स आते हैं, लगातार मैसेज आते हैं, हर वीडियो में कमेंट आते हैं कि सर कोई भी अपडेट हो एसएससीएनआर की तरफ से तो आप हमें दीजिए कि एमईएस में एक्चुअल में चल क्या रहा है। पिछले दोस्तों मंथ मैंने आपको जानकारी दी थी कि एमईएस की तरफ से है वो आपका जो स्क्रूटनी की प्रक्रिया है, जो डॉक्यूमेंट जांचने की प्रक्रिया है वो कंप्लीट कर ली गई है और जितने भी बच्चे थे उनको दोस्तों एसएससीएनआर को बता दिया गया है कि ये रिजल्ट आप है वो जारी कर दीजिए और उसके बाद है वो जो आगे की प्रक्रिया होगी, जो आपकी स्किल टेस्ट की है या ट्रेड टेस्ट की है या कुछ भी आगे की प्रक्रिया है वो आपका कंडक्ट करवाएगा आपका एमईएस यानी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस। तो यहां बच्चे इस बात को लेकर परेशान है क्योंकि काफी बच्चे है इस भर्ती पर डिपेंड है। डिपेंड होने का रीजन ये है कि वो बच्चे कहीं ना कहीं कोई इसमें कोई भर्ती, जैसे कि सीआई सब मान लीजिए ड्राइवर की भर्ती या मान लीजिए दिल्ली पुलिस की ड्राइवर की भर्ती से, वो उन भर्तियों से कुछ पॉइंट से या कुछ मार्क्स से किसी भी रीजन से बाहर हो चुके हैं और वो इस भर्ती पे अभी डिपेंड है और वो बाकी भर्तियों से ओवरवेज भी हो चुके हैं। इस भर्ती में उनके अच्छे खासे नंबर हैं, डॉक्यूमेंट भी उनके ठीक है, परंतु परेशान होने का रीजन एक ये भी है कि कहीं भर्ती तो कैंसिल नहीं हो जाएगी। क्योंकि एक बात की बात ना बता के मैं आपको बताऊं कि जो भी फेज 11, 12, 10, 9 में तहत भर्तियां आती हो, कई सारी भर्तियां बाद में भी कैंसिल हो जाती है। तो एक बड़ी बात यह भी है कि कहीं ये भर्ती तो कैंसिल नहीं हो जाएगी, क्योंकि एसएससी नींद में सोया हुआ है तो उसको जगाने के लिए हम क्या चीजें कर सकते हैं। क्योंकि अक्टूबर के आसपास हमने डॉक्यूमेंट भेजे हुए थे और अभी एक साल का समय बीत चुका है आपके डॉक्यूमेंट भेजे हुए भी। डिटेल से बात करेंगे क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पिछले मंथ आपको बताया था और पिछले महीने के कुछ अभ्यर्थियों के ये भी कमेंट आए कि सर हमने है वो अभी ट्विटर कैंपेन हम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इसीलिए आप आके आपने जानकारी दे दी कि हाँ अब रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट साथियों ऐसे नहीं आ रहा है, जो भी अपडेट होगी ऑथेंटिक अपडेट देंगे। डेली डेली वीडियो लाने से कोई फायदा नहीं है, परंतु अभी जितने भी बच्चे सीरियस हैं, जितने भी बच्चे चाहते हैं कि हमें एमईएस में यानी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में ड्राइवर की पोस्ट मिले, तो आपको जितने एफर्ट करने हैं वो हमारा करने पड़ेंगे, परंतु मेन लीड रोल आपको करना पड़ेगा। साथ हम देने के लिए आपके तैयार है, जो भी यूट्यूबर्स हैं इसके वीडियो बनाते हैं वो आपका साथ देने के लिए तैयार है, परंतु मेन एफर्ट है वो आपको करने पड़ेंगे, जीजान आपको लगानी पड़ेगी। जितने भी साथी सीरियस हैं वो अपना जीजान लगाएंगे। क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं इसके लिए वो इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को साथियों अंत तक जरूर देखिएगा, बाकी जो आपके साथी हैं उनको भी आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में सारी जो चीजें हम कर सकते हैं उनको हम ट्राई जरूर करेंगे, ताकि एटलीस्ट एसएससी को यह पता तो चले कि हमने एक एससीबी फेज 11 में 1070 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली थी जिसका हमें अभी डॉक्यूमेंट का रिजल्ट हमें निकालना है। इसके लिए हम जितनी भी तैयारी कर सकते हैं अपना 100% एफर्ट हम आपको देने वाले हैं। हम यहाँ कुछ लाइक कुछ व्यूज के लिए नहीं आता है और जो भी जानकार बच्चे उनको पता है कि इन वीडियो से लाइक व्यू से कोई फर्क हमें नहीं पड़ने वाला है, परंतु हम इस वैकेंसी से फर्स्ट डे से जुड़े हुए हैं। इस वैकेंसी से नहीं, ड्राइवर की जितनी भी वैकेंसी आती है हम 100% है उनसे जुड़े होते हैं, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम जितनी भी हमसे हेल्प हो सके वो आपकी करें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक एक चीज के बारे में डिटेल से बात कर लेते हैं। पहली बात, अभी कल या परसों में है दीपक भाई ने भी एक वीडियो बनाया और उन्होंने एक अच्छी जानकारी दी है, वो चीज पहले आपको करना जरूरी है, उसके बाद और क्या चीजें हम कर सकते हैं उनके बारे में डिटेल से चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले उन्होंने जानकारी दी है कि हम है वो मेल कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा आइडिया है कि हम मेल करें, क्योंकि हम किसी ईमेल आईडी पर्सनल ईमेल आईडी पर मेल नहीं कर रहे हैं, हम एक सरकारी मेल आईडी पर मेल कर रहे हैं और वहां से अगर कोई भी आप मेल जाएगी तो उसका रेस्पोंड करना उनको जरूरी है, उनका रिप्लाई करेंगे वो जरूर। तो हम एक बड़ी तादाद में अगर मेल करेंगे तो निश्चित तौर पर उसका भी हमें फायदा होगा कि एटलीस्ट एसएससीएनआर के कान पर कोई जू तो रेगेगी कि हाँ ये भर्ती आ है, इसके लिए बच्चे परेशान है, इसका वेट कर रहे हैं। तो इसके लिए उनकी कॉन्टेक्ट अस के अंदर है, वो दोस्तों एक मेल आईडी है जो इंक्वायरी के लिए ही मेल आईडी है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेल आईडी, आप नोट जरूर कर लीजिएगा, ये मेल उनकी आईडी है और यहां मेल आईडी है, इसमें आपको मेल करनी है। मेल
कैसे करनी है ये भी जरूरी है। मेल आप हिंदी में भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं आपकी मेल इंग्लिश में हो। जो भी आप इस भर्ती के बारे में अपने अंतरात्मा में जो भी चीजें आपके हैं वो चीजें आप लिख सकते हैं कि हाँ एक फेज 11 में पोस्ट कोड इसके तहत ये वैकेंसी आई थी, इसके लिए डॉक्यूमेंट जो स्क्रूटनी की प्रक्रिया है वो कब तक कंप्लीट होगी, इसके लिए हम एक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, कुछ भी जो आप चीजें लिख सकते हैं। परंतु उस वैकेंसी के बारे में स्पेसिफिक चीजें जरूर लिखिएगा कि हाँ ये पोस्ट कोड है, ये आपकी भर्ती ये इस समय आई थी और इसके लिए आपका जो स्क्रूटनी का रिजल्ट है वो अभी तक SSCNR जारी नहीं कर रहा है, क्या इसका रीजन है, बच्चे एक साल से परेशान, जो चीजें आप लिख सकते हैं वो इस मेल आईडी पर आप लिख के जरूर जरूर भेजें। इसके साथ एक और आपकी मेल आईडी है वो मैं आपको अटैच कर दूंगा, दोनों मेल आईडी आपको मिल जाएगी। और हम इसके अलावा क्या चीजें कर सकते हैं, कुछ अभ्यर्थियों ने मेरे को बोला कि सर आप ये चीजें कर रहे हैं, आप एक RTI क्यों नहीं लगा देते। साथियों मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, जो बच्चे देख चुके हैं मैं RTI है वो SSCNR को भी लगा चुका हूं, मैंने MES में भी RTI लगाई, दोनों का ही रिप्लाई नहीं आता। वो बोलते हैं कि ये एक पर्सनल रीजन है, कॉन्फिडेंशियल है, ये चीजें हम शेयर नहीं कर सकते हैं, तो ये RTI का रिप्लाई इनकी तरफ से नहीं आता है। मैं ऑलरेडी लगा चुका हूं, जिनको भी लगता है कि ऐसा नहीं होता है तो वो बच्चे RTI लगा के खुद रख सकते हैं, एक सिर्फ 10 रुपए आपके लगते हैं। YouTube पर आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जिसमें आपको RTI लगाने का मेथड भी पता चल जाएगा। आगे हम बात करते हैं, पहला चीज ये हो चुकी है। दूसरी चीज, कुछ बच्चों ने ये बोला कि सर आप SSC हेडक्वार्टर जाए, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूं, मैं SSC हेडक्वार्टर इजीली जा सकता हूं, मेरे को आधा घंटा लगेगा, कि आप SSCNR के हेडक्वार्टर जाइए और वहां से पता कीजिए। आप में से भी कई साथ मेरे को उस पास कॉल आया कि सर हम गए थे, हमें कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं मिला, हमें जाने ही नहीं दिया। सेम चीज सबके साथ होने वाली है, क्योंकि वहां प्रायोरिटी किसी के लिए नहीं है कि आप अंदर जाके सब पूछ के आ जाए, नहीं होता है। एटलीस्ट मैंने कुछ ऐसे साथी भी हैं जो SSC के थ्रू वहां सिलेक्टेड भी हैं, उनसे भी मैंने पूछने की कोशिश की कि क्या इस भर्ती में चल रहा है, तो उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें कोई इन्फॉर्मेशन इसके बारे में नहीं होती है, हमें तो ये तक इन्फॉर्मेशन उनके एम्प्लॉय को नहीं होती है कि कल किसका नोटिफिकेशन है, उसमें कितनी वैकेंसीज होंगी, वो चीज भी पता नहीं होती है, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन कहीं भी नहीं है। दूसरी बात, क्या हम MES के हेडक्वार्टर जा सकते हैं, नहीं जा सकते, वो भी एक सेंसिटिव एरिया है जहां हमें एंट्री नहीं मिलेगी, एंट्री भी मिलेगी तो हमें कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर हमसे नहीं की जाएगी। और उनके पास भी जो MES का जहां से रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है उनके पास इंफॉर्मेशन होती है, बाकी किसी के पास भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है। इसके अलावा भी MES में कई सारी वैकेंसी जाती है, तो ये SSC के पास वैकेंसी है तो इसका जवाब भी SSC के पास ही होगा। ये चीज हो चुकी है, वे चीज मैंने क्लियर कर। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद दोस्तों हम एक्स कैंपेन कर सकते हैं, जिसका पहले ट्विटर के नाम था, हम इसके लिए एक्स कैंपेन कर सकते हैं या दोस्तों ट्विटर कैंपेन हम कर सकते हैं। ट्विटर कैंपेन के लिए आपको साथ देना पड़ेगा, इसके लिए बाकी लोगों को भी आपको बोलना पड़ेगा, एक डेट फिक्स करनी पड़ेगी। इसके साथ ही दोस्तों हमें एक हैशटैग भी फिक्स करना पड़ेगा कि वो हैशटैग हम ट्विटर पर कहां है, क्योंकि SSC ट्विटर पर नहीं है, SSC पर नहीं है, परंतु हम बाकी डिपार्टमेंट बाकी कुछ लोगों को टैग करेंगे जिसे एटलीस्ट SSC को पता तो चलेगा कि हाँ ये चीज हो रही है, इस चीज के लिए बच्चे परेशान है, परंतु उसके लिए हम प्रॉपर प्लानिंग करेंगे। अगर आप इस चीज के लिए एग्री हैं तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए, इसके लिए हम प्रॉपर हैशटैग होंगे, किस दिन हम करेंगे, बाकी लोगों से भी हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे जो ऑलरेडी यहाँ इस भर्ती से जुड़े हुए हैं, ताकि वो भी हमारे साथ आए और हम इसके लिए ट्विटर कैंपेन करें। और ट्विटर कैंपेन हम बहुत जल्द करें, हम पहले काम ये कर रहे हैं, दूसरा काम हम बहुत जल्द ये करें कि हम ट्विटर कैंपेन करें। और ट्विटर कैंपेन के लिए प्रॉपर प्लानिंग जरूरी है, क्योंकि हमारी संख्या बहुत कम है, हम लाखों की तादाद में नहीं, हम हजारों की तादाद में भी बहुत कम है, क्योंकि अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 5000 लोगों ने यहां डॉक्यूमेंट भेजे होंगे, उसमें से भी 1500 तो नौकरी लग गए होंगे, मुझे लग रहा है 1500 नौकरी लग गए होंगे, और उसमें से हमारी तादाद होगी वो 2-3 हजार के आसपास होगी, मैक्सिमम 2-3 हजार की तादाद होगी। परंतु जब हम ट्विटर कैंपेन करेंगे तो हम बाकी जो स्टूडेंट है उनका भी हमें साथ चाहिए होगा, जो अभी तैयारी कर रहे हैं इस भर्ती से रिलेट नहीं कर रहे हैं उनका भी हमें साथ चाहिए होगा, तो उसके लिए हम प्रॉपर वीडियो आपके लेके आएंगे, बहुत जल्द लेके आएंगे, इसके लिए भी हम तैयारी करेंगे। तीसरी या चौथी बात ये आती है, क्या हम वहां धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। हम धरना प्रदर्शन ऐसे नहीं कर सकते हैं, CGO कॉम्प्लेक्स एक सेंसिटिव एरिया है जहां 5 लोग भी इकट्ठे नहीं हो सकते हैं इजीली। हम बात करें, हम SSC हेडक्वार्टर के सामने बैठने की कोशिश करें, उसके लिए हमें प्रॉपर परमिशन की जरूरत पड़ती है। पर वो चीज करने से पहले जो चीज हम ये कर रहे हैं, ये हम करने वाले हैं,
पहली हम मेल सेंड करने वाले हैं, दूसरी हम ट्विटर कैंपेन करेंगे, तीसरी एक मेथड हमारे पास और है। 2020 में एक दिल्ली पुलिस की भर्ती आई थी और आप में से कोई साथी उस समय दिल्ली पुलिस का फॉर्म भरा था, काफी धांधली हुई थी उसमें। तो उसमें क्या है कि हमने एक लेटर भेजने का अभियान शुरू किया एसएससी को, जो एसएससी का एनआर का हेडक्वार्टर है या एसएससी को। पर हम दो चीजें करने के बाद तीसरी चीज हम ये करने वाले हैं कि उनको जो चीजें हम उनको मेल कर रहे हैं उसी प्रकार की चीज एक लेटर पे लिखेंगे और वो लेटर हम बाय पोस्ट उनको भेजने की कोशिश करेंगे, उनको भेजेंगे। अगर उससे भी कुछ नहीं होता है तो चौथा जो मेथड हमारा रहेगा वो हम यहाँ दिल्ली पुलिस से परमिशन लेने की कोशिश करेंगे कि हम यहाँ 40-50-100 जितने भी बच्चे हैं वो एक छोटा धरना प्रदर्शन, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन यहाँ करेंगे एसएससी हेडक्वार्टर के बाहर, एसएससी एनआर के एसएससी से, एसएससी एनआर का हमारा रिलेशन है काफी, एसएससी एनआर से हमें चीजें की डिमांड है, तो एसएससी एनआर के सामने हम एक धरना प्रदर्शन करने की भी ट्राई करेंगे। तो उससे पहले ये चीज हम करने वाले हैं और ये जो चीजें मैंने आपको बताई ये अगले हम 15 दिन के अंदर करेंगे। तो इसके लिए आपको एक एक्टिव होना जरूरी है, आप एक्टिव हो जाइए अगर आपको इस भर्ती में सिलेक्शन लेना है। ये जो चीजें हैं वो अगले हम 15 दिन में करेंगे, आएगा तो रेस्पॉन्स 3 दिन में भी एसएससी कर सकता है, जब मेल जाएगी तो एसएससी आपको मेल कर सकता है वापिस, प्लस अगर मेल नहीं करता है तो आपको एक नोटिस के थ्रू है वो इन्फॉर्मेशन देगा कि हाँ ये भर्ती इसलिए आपकी पेंडिंग है या ये रीजन है, इसका रिजल्ट इस टाइम तक हम जारी कर देंगे, इस पर हम काम कर रहे हैं। जो भी उनके पास रीजन होगा वो एसएससी एनआर की यही वेबसाइट है इस पर जारी करेंगे या वो आपको मेल के थ्रू आपको बताने वाले। अगर यहां से रेस्पॉन्स नहीं आता है तो हम ट्विटर कैंपेन कर रहे हैं, वो भी बहुत जल्द करेंगे, प्लस उससे भी रेस्पॉन्स नहीं आएगा तो हम उनको बाय पोस्ट लेटर भेजना शुरू करेंगे कि हाँ ये चीजें हैं, हम ये चीजें फेस कर रहे हैं, इतना टाइम हो चुका है, भर्ती कैंसिल हो रही था, आप हमें बताइए, जो भी चीजें हैं वो हम उनको सेंड करेंगे। उससे भी कुछ नहीं होता है तो हमारे पास चौथा ऑप्शन रहेगा कि हम एक थाने से, वहां के लोकल थाने से हम परमिशन लें, विदाउट परमिशन हम नहीं बैठ सकते क्योंकि आपकी फ्यूचर का सवाल है, किसी की कुछ भी दिक्कत हो जाती है तो आगे वो दिक्कतें करती है, तो उसके लिए हम बाकायदा परमिशन लेंगे और परमिशन के बाद हम हैं वहां बैठने वाले हैं, वहां घंटा आधे घंटा उनको एटलीस्ट चेताएं कि हाँ हम लोग हैं, अभी हैं हम लोग, नौकरी नहीं लगे हैं, हमें जरूरत है, आप इस चीज का रेस्पॉन्ड कीजिए, आप इस रिक्रूटमेंट में क्या चल रहा है हम उनको बताएं, उनको हम लिखित, जब हम वहां बैठेंगे तो बिल्कुल पुलिस वाले वहां से आएंगे सामने से कि क्या दिक्कत है, वो सारी चीजें हम लिखेंगे, अंदर हमारी जाएगी, हमारी सिस्टम रिसीव होगी, सारी चीजें हमारी होने वाली है। अगर इतनी तादाद में हम नहीं पूछ सकते, 20 लड़के हम पूछ सकते हैं तो वो भी हम करेंगे, जितने भी हमारे पास कोशिश होगी वो हम करेंगे अगले 15 दिन में, अगले हम 15 दिन में करेंगे। तो अगले 15 दिन तक आप एक्टिव हो जाइए, पहली प्रायोरिटी है मेल करना, दूसरी प्रायोरिटी हम आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर एक ट्विटर कैंपेन है वो यहां करने वाले हैं ताकि आप तक है वो सभी बच्चे एकजुट हो और हम ट्विटर कैंपेन या एक्स कैंपेन करें और उसके बाद वो लेटर भेजने वाला काम करेंगे, चौथा काम हमारा रहने वाला परमिशन लेके वहां धरना करना। ये चीजें हम कर सकते हैं, जितना भी समय हमसे होगा मैं कोशिश करूंगा हम ज्यादा से ज्यादा समय है वो आपके लिए निकालें और इस भर्ती को कंप्लीट करवाने की कोशिश करें, इस भर्ती का जो रिजल्ट है वो निकालने की कोशिश करें। अगर आप इस बात से संतुष्ट हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइए, आपकी कोई भी आपका सजेशन है, आपकी कोई राय है तो वो भी आप हमें कमेंट करके साथियों बता सकते हैं। ये चीज अगले 15 दिन में करने वाले हैं, वो चीज का आपको ख्याल रखना है, तो इसीलिए आप थोड़े से एक्टिव हो जाइए। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर इसके लिए एक ग्रुप बना ले, ग्रुप में बाकी चीजें अलग अलग राय आती है और अलग अलग चीजों का, अलग अलग लोगों का अलग अलग नजरिया होता है, कुछ लड़के झगड़ते हैं ये करना ये और निर्णय, जो भी चीजें होंगी आपको हम सूचित करने वाले हैं और जो बच्चे जेन्युइन होंगे उनको हम ऐड भी करेंगे और उनको हम फ्रंट में खड़ा भी करेंगे कि हाँ आप इसको लीड कर लीजिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। हम अगले 15 दिन में ये चीज करने वाले हैं, अगर संतुष्ट हैं तो आप हमें कमेंट, जो भी आपकी राय है वो हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो में साथ इतना ही, मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।